हमारे देश का ही मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमारा देश का विकास होगा तो हम सब का भी विकास होगा। डॉक्टर सिंह को दे रहे हैं वोट, अभी हाथ जोड़ लेता है फिर 5 साल सबसे हाथ जोड़वाता है, फिर बात तो भाई कांग्रेस को वोट देंगे। क्या होना चाहिए, मुसलमान लोग का घर नहीं होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बिहार के हर जिले में जा रहे हैं और हर जिले के जनता से बात कर रहे हैं, उनके बीच में किसका किसकी हवा चल रही है, किस ओर जनता रुक करेगी, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम पूर्णिया के मरंगा गाँव में है और पूर्णिया के मरंगा गाँव के जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार पूर्णिया के मरंगा गाँव की जनता, पूर्णिया के क्षेत्र की जनता इस बार किस ओर रुक करेगी। संतोष कुशवाहा और पप्पू सिंह में से, आपके पूर्णिया के मरंगा गाँव में क्या कुछ समस्याएं हैं? ऐसी तो अभी समस्या तो देखने को नहीं मिल रही है, रोड का भी निर्माण हो गया, लाइन बिजली का भी निर्माण हो गया, इधर देखे बोलिए, सब चीज का तो हो ही रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, सब कुछ हो रहा है। बताइए, आपके मरंगा गांव के जनता इस बार किस ओर रुख करेगी, संतोष कुशवाहा और पप्पू सिंह? ये तो जनता का मन पे डिपेंड करती है, तो किसको देगी ये तो जनता ही बता पाएगी। आपके क्षेत्र के लिए? लिए कौन बेहतर है? हमारे लिए तो हम तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, साहब को। कौन है कांग्रेस? पप्पू सिंह को दे रहे हैं वोट। आपको लगता है पप्पू सिंह बेहतर काम करेंगे? देखिए, आप देखने के बाद, एक बार तो दिए चांस, इस बार इनका भी देख लेते हैं क्या होता। गाँव की समस्या तो कुछ ना है, अभी सब ठीक है, एक बार तो भाई कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ, अच्छा, आपको एक बार तो देख लिए, इसको भी एक बार चांस देखते हैं क्या करता है नहीं करता है। कुशवाहा को एक बार देख चुके हैं? एक बार देख चुके हैं। तो क्या लगता है उसके रीजन में विकास हुआ है? हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, हुआ है, मगर एक बार इसको भी देख लेते हैं क्या होता है ना होता है। क्या लगता है पप्पू सिंह जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगे? काम किया था उस बार भी, इस बार भी लगता है करेगा, इसी विश्वास पे उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पप्पू सिंह को सपोर्ट कर। हाँ, पप्पू सिंह। हमारे क्षेत्र में यही समस्या है कि हमारे वार्ड नंबर 8 में नाला अभी तक नहीं बना है नगर निगम के द्वारा, और हमारे सांसद जो हैं जो 5 साल जो रहे उन्होंने पूर्णिया का विकास नहीं किया, क्योंकि हर साल 5 करोड़ मिलता है विकास करने के लिए, और हमारे सांसद को हम सब अभी तक देखे नहीं हैं उसको कि पूर्णिया आए हैं यहाँ पर, कभी उसको हमने देखे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ विकास नहीं हुआ है और जो भी है रोड सड़क ये सब नहीं बना है, पुल नदी सब ये नहीं बनाया गया है। जितने के बाद वो अपने घर में रहते हैं, विकास नहीं करते हैं, जो हम सब का हक है, जो 5 करोड़ जो देते हैं सालाना में विकास करने के लिए केंद्र सरकार से मिलता है, वो विकास वो सब नहीं करते हैं, और जो हमारे देश का स्थिति बहुत ख़राब है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है। नीतीश कुमार के समय में अफसरशाही बढ़ गया है, क्योंकि अफसरशाही इसलिए बढ़ गया है कि यहाँ काम कराने जाइएगा तो कोई काम नहीं करेगा। हमारे देश का ही मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमारा देश का विकास होगा तो हम सब का भी विकास होगा। तो आपके हिसाब से इस बार पूर्णिया किस ओर रुख करेगा, संतोष कुशवाहा और पप्पू सिंह? हमारे लिए तो उदय सिंह ठीक हैं, क्योंकि वो अच्छे नेता भी हैं और आगे चल कर वो विकास भी करेंगे, क्योंकि पुराने नेता है, वो हमारे राज्य में हमारे जिला में आते भी हैं और हम सबसे मिलेंगे भी, वह विकास कर सकते हैं। जो समस्याएं आपने बताई, क्या उन समस्याओं को बेहतर से वो सुलझा सकते हैं? हाँ, समझा सकते हैं, क्योंकि वो पुराना नेता हैं और संतोष कुशवाहा इस लायक नहीं है, क्योंकि वह विकास नहीं करते हैं, विकास भी नहीं करते हैं उसको, तो हम सब देखे भी नहीं अच्छा से। पप्पू सिंह को दे रहे हैं वोट। हमारे देश का ही मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमारा देश का विकास होगा तो हम सब का भी विकास होगा। अभी हाथ जोड़ लेता है फिर 5 साल सबसे हाथ जोड़वाता है, फिर बात तो भाई कांग्रेस को वोट देंगे। क्या होना चाहिए, मुसलमान लोग को घर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किया है। अच्छा, क्या होना चाहिए, मुसलमान लोग को घर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं, जो सांसद थे आप लोग के लिए कुछ किए नहीं? कुछ नहीं किया है। आप लोग को वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ, वृद्धा मिल रहा है। वृद्धा पेंशन? हाँ, एक ठो वही ठो वृद्धा मिल रहा है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है। और क्या कुछ समस्या है आपके गाँव का? अपना गाँव का मुसलमान सबको घर नहीं है, खाने को नहीं रहा, और क्या चाहिए, वृद्धा लोग को तो ही। हाँ, वृद्धा पेंशन मिल रहा है। पेंशन मिल रहा है। तो ये बताइए, आप संतोष कुशवाहा को जानती हैं? हम तो नहीं जानते हैं। अच्छा, हम तो मूर्ख आदमी हैं, हम क्या जानेंगे। अरे नहीं, आप मूर्ख कैसे हैं, आपने पूरे इतने जीवन पूरा देख लिया है। आपके क्षेत्र के सांसद हैं वो, संतोष कुशवाहा? हाँ। आपके क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, विकास किया है?
विकास तो यही किया है, रोड बनाया है। रोड बनाया है। हाँ, किसी किसी को इंदिरा आवास दिया है, किसको नहीं दिया है। अच्छा, मतलब काम किया है लेकिन हाँ, उस तरह से नहीं किया, नहीं है। किया है। तो इस बार किसे चुनेंगे, पप्पू सिंह और संतोष कुशवाहा में से? अब हम जिधर सब जाएगा उधर जाएंगे, जिधर सब लोग जाएंगे उधर ही आप जाएंगे। विकास है, देखते हैं, लाइट वगैरह जल रहा है, रोड बना हुआ है, विकास भाई है, बिजली प्रॉपर आती है। पानी यहाँ तक नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं पहुँचा, तो पानी ऐसी समस्या है, मूलभूत सुविधा है। हाँ, पानी तो नल वहाँ तक 7 नंबर वार्ड तक आया है, आगे नहीं बढ़ा है। तो वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि और क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक नहीं मिली हैं आपको? मूलभूत सुविधा के लिए तो आपने क्या बोला जाए, उसमें अब वार्ड हो गया है, अब छोटा मोटा काम होते रहता है बराबर, अब भीतर रास्ता जो है संकीर्ण है। क्या आपके जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने आपके गांव में विकास किया है? वर्तमान सांसद तो विकास क्या, हम लोग तो कभी बातचीत भी नहीं हुई सांसद से, कभी बातचीत ही नहीं हुई। कभी आपके गांव में आए हैं? बातचीत होती तो आते तो अपना होता भाई। कभी गांव में उनको देखा भ्रमण करते हुए? हम तो नहीं देखे हैं, और लोग देखे होंगे तो अलग बात है। क्या नाम आपके सांसद का? माननीय संतोष कुशवाहा जी। संतोष कुशवाहा, कभी क्षेत्र में कभी नहीं घूमते हैं? अब घूमते हैं हम, उनके तो पहरेदारी तो नहीं करता हूँ मैं। घूमते होते तो दिख जाते, घूमते होते दिख जाती है, हम कैसे कह सकते हैं? और यहाँ नहीं घूमते हो? कभी दिखाई दिए? अरे यहाँ नहीं घूमते होंगे और दूसरे जगह घूमते होंगे, वो घूमते होंगे। चलिए, लेकिन आपने कभी देखा नहीं 5 सालों में उनको कहीं पर भी पूरे पूर्णिया में? पूर्णिया में तो गाड़ी पर जाते आते देख लेते हैं, जाते आते देख लेते, जब बाजू में घर है पूर्णिया है तो जाते आते हम देख लेते हैं। तो इस बार पूर्णिया की जो जनता है, आपके वरंगा गाँव की जनता है, पूर्णिया की जनता है, इस बार किस ओर रुख कर रही है? संतोष कुशवाहा और पप्पू सिंह में से? देखिए, मतदान की बात है, अब मन हम तो नेता ने हैं जो हर जगह घूम घूम के आप किसको मतदान कीजिएगा, क्या कीजिएगा, मतदान के दिन अपने आप जो मन में होगा लोगों का अपना करेगा, ये तो गोपनीय बात है ना। नहीं, गोपनीय बात है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप वोट किधर देंगे है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किस ओर रुख करेंगे, आपको क्या लगता है आपके पूर्णिया के लिए कौन बेहतर है? बेहतर तो कोई नहीं रहता है, अभी हाथ जोड़ लेता है फिर 5 साल सबसे हाथ जोड़वाता है, बस इतना ही जान लीजिए, बेहतर क्या रहेगा। सही बात तो यही है, सही बात यही है। तब तो क्या लगता है आपको कि कोई भी आए आपके क्षेत्र का विकास होना चाहिए? क्षेत्र का विकास होना चाहिए, वही सांसद विधायक अच्छे होंगे और क्या, चाहे जो भी आए। हाँ, जो भी आए विकास होना चाहिए। पप्पू सिंह को दे रहे हैं वोट, अभी हाथ जोड़ लेता है फिर 5 साल सबसे हाथ जोड़वाता है, इस बार तो भाई कांग्रेस को वोट देंगे। क्या होना चाहिए, मौसम लोग को घर नहीं होना चाहिए,